चैप्टर नंबर 3 में आज जो टॉपिक डिस्कस करना ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बारे में चंद एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में गैसेस के बारे में प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, तो चंद एक बातें भाई। ये बेसिकली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। पास्ट में भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है कि राइट डाउन एनी 4 यस, फिर मैक्सिमम का तो 6 का आएगा कि 6 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहली बात, लिक्विड हैव नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप, इनकी फिक्स शेप नहीं होती। मसलन अगर पानी की एग्जांपल दूं बच्चे, आप ग्लास लो, ग्लास में पानी डालोगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा। एक जग लो, जग में पानी डालोगे तो जग की शेप का हो जाएगा। मतलब पानी को जिस जगह पर डालोगे या लिक्विड को जिस जगह पर उंडेलोगे उसी की तरह की शक्ल का हो जाता है, कोई खास शेप नहीं होती। सही है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब अगर ग्लास इतना भरा हुआ ना, आप इसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर लगा लो तो इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। सही है। तो ये बात एक सिंपल सी याद रखनी है, एक ये हमारे पास ग्लास है, इसके ऊपर आप जितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो तो इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लेकिन हमने कहा था गैसेज जो हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, मगर अगर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। सही है, ये बात याद रखिए। इसके बाद लिक्विड हैव इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियानी, इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनमें इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे वो गैसेज से स्ट्रोंगर होंगे। इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियानी, वो गैसेज से क्या होंगे? स्ट्रोंगर होंगी और सॉलिड से वीकर होंगी। दे हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन सॉलिड। इनमें सॉलिड से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीकर होती हैं एंड स्ट्रोंगर देन गैसेस, और गैसेस से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दे शो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। और ये भी डिफ्यूजन और इफ्यूजन को शो कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम हद तक गैसेस के निस्बत बहुत कम हद तक। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक ग्लास लो, पानी में ले लो, इसमें पानी ले के यहाँ पे एक ड्रॉप इंक का गिराओ यहाँ पे, तो ऐसा इंक ना इसमें फैलनी शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा पूरे ग्लास के अंदर इंक फैल जाएगी। मतलब ये जो काम हुआ ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। मतलब जो लिक्विड है ये भी डिफ्यूजन शो करते हैं, लेकिन गैसेज की नस्बत कम होती है इनमें डिफ्यूजन। लिक्विड्स कैन नॉट शो जॉल थॉमसन इफेक्ट। लिक्विड जो है ना, ये जॉल थॉमसन इफेक्ट का मुजाहरा करते नहीं। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को कंप्रेस करके सडनली एक्सपेंड कर दिया जाए तो वो चीज़ कूलिंग की वजह बनती है। बस ये आपका काम हो रहा था गैसेज में, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी एसी वगैरह में, फ्रिज वगैरह में जॉल थॉमसन इफेक्ट का फिनोमिना हो रहा होता है। क्या कहते हैं जी, आपका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, इसके बाद सडनली एक्सपेंड करता है, जैसे सडनली एक्सपेंड होती है गैस तो वो ठंडक की वजह बन रही होती है। सही है। लेकिन लिक्विड में ये वाला काम है ही नहीं, क्योंकि लिक्विड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। जब ये कंप्रेस नहीं होंगे तो एक्सपेंड भी नहीं होंगे। सही है बात, एक सिंपल सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिक्विड के बारे में याद रखे हैं, लिक्विड्स आर मोबाइल। अच्छा, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ हरकत कर सके।
सही, मतलब लिक्विड जब गिराते हो तो ये ऐसा ऐसा हरकत करते करते आगे की तरफ मूव करते हैं, जिस तरह पानी है फर्श पे गिराओ तो फर्श में आगे की तरफ मूव करता है, सेम काम यहाँ पे जो लिक्विड जितने भी होते हैं, ये मैक्सिमम लिक्विड मोबाइल होते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट दरमियानी इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड की इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस। गैसेस की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मोशन की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाए किसी भी चीज़ को, उसको हम नाम दे रहे थे काइनेटिक एनर्जी का। सही, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसेस की निस्बत लो होती है। लो काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस एंड हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, और सॉलिड की निस्बत इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये चंद एक बातें याद रखिएगा। ये बहुत इतनी बातें कितनी हमने लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख ली हैं। कम अज़ कम आपको 4 पॉइंट्स यहाँ से आने चाहिए। सही है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो जहन में रह जाएं सारे कुछ याद कर लो, जब लिखने की बारी है जो जहन में रहते हैं उनको लिख दो, जो नहीं रहते उनको छोड़ दो। सही है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।